जय सियाराम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 एक एपी में इंग्लिश लिखा होगा। इन आईएपी ए इक्वल 5, डी इक्वल 3, ए एन इक्वल 50 है, एन और एस एन ज्ञात के फाइंड करना है। तो कुल मिला के आप ये समझो कि अगर ये सवाल जिससे बन गए तो वो प्रश्नावली 5.3 के सभी सवालों को लगा लेगा, क्योंकि इसमें लगभग सभी नियम लगेंगे। अब बात यह समझना है कि दिया क्या है, थर्ड का वन तो ए इक्वल 5, डी इक्वल 3, ए एन इक्वल 50 और एन क्वेश्चन मार्क और एस एन क्वेश्चन मार्क। अब मेरी बातों को आप गौर से सुनना। ये एन देखिए, ये बता चुका है कि अगर एन के फार्मूले में कहीं एन आता हो, है ना, उससे आप एन निकाल सकते हो। तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन का होल डी, होता है कि नहीं होता? पहला फार्मूला ये हो गया आपका, तो इसमें एन है। और एस एन के लिए तो तीन फार्मूले हैं, कोई भी फार्मूला लगा दो आप। तो एन बाई टू ए प्लस एन, इस फार्मूले से भी निकल सकता है, या एन बाई टू ए प्लस ए, ऐसा भी है ना। तो इस फार्मूले से भी तुम निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बात समझ में आई ना? तो ये दोनों में कोई भी फार्मूला एक उपयोग किया जा सकता है। अब आगे जो है, अब यहां समझने की बात है। अब हमको किसी भी एपी को लिखने के लिए ए और डी चाहिए। हमारे पास ए भी है और डी भी है, तो निकालने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट किस पे चलते हैं? सूत्र पे। जब सूत्र पे चलते हैं तो एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन डी, तो एन का मान 50 है, एन का मान 50 है, ए का मान 5 है, प्लस एन फाइंड करना है और डी कितना है, 3। अब इसमें दिमाग ये लगाएंगे कि 50 माइनस 5 इक्वल 3 का एन में इंटू करो, 3n माइनस 3 होगा, तो 50 में इसको माइनस किए आया आपका 45, और ये इसको इधर बुला लो तो ये प्लस हो जाएगा, और ये हो गया 3n, ये हो गया आपका 48 इक्वल 3n। तो n इक्वल 48 बाई 3, 3 जा 3, 16 3 48 होता है कि नहीं होता? एन बराबर कितना आ गया, 16। ठीक है, अब हमको एस एन निकालना है। तो एस एन इक्वल एन बाई टू ए प्लस एल लगा दो, लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म इसमें क्या है कि 50, मतलब एन पूरी अपनी कितनी है, 50, या एन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एन लिख दो यहां अगर ज्यादा कंफ्यूजन। तो एस एन इक्वल एन कितना है, 16/2, ए 5, ये 50 हो गया। तो अब यहां लिख सकते हैं कि एस एन इक्वल 2 8 16, 8 आया गुणे 55 आया, तो एस एन बराबर आया 8 5 40, 8 5 40 और 4 44, ये आपका 2 आंसर आएंगे। अतः यहाँ लिख सकते हो, अतः है एन इक्वल 16 और एस एन इक्वल 440। ठीक है, समझ में आई बात? तो इस तरह आप लोग लगा सकते हो। अब दूसरा सवाल देखते हैं। अब इसको अगर इस बार देखो, ऐसा जरूरी नहीं कि इसी जो आपको अच्छा लगे इसमें से भी निकाल सकते हो कि एस एन बराबर क्या था, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1d, इसमें से भी लगा के देख लेना आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें आगे देखो, ठीक है, दूसरा नंबर,
दूसरा नंबर कहता है कि a इक्वल सेवन, a 13 इक्वल 35, और इसमें d जो है क्वेश्चन मार्क है और यस 13 भी क्वेश्चन मार्क है। बात समझ में आ रही बात? अब आगे समझना यह है कि हमारे पास a है लेकिन d नहीं है, तो d तो निकालना है, तो a इक्वल हम 7 लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, और a 13 इक्वल 35 है जहां से हम बना सकते हैं। तो a 13 को क्या लिखेंगे, a प्लस 12 d इक्वल 35 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक है ना, ये 13 को हमने a प्लस 12 d लिख दिया। अब समीकरण एक, समीकरण दो में a का मान रखने पर तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड, तो a का मान कितना है 7, ये माइनस 7, तो 12 डी इक्वल 35 में 28, तो d इक्वल 28 अपॉन 12, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, d इक्वल क्या हो गया 7/3 हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, अब s 13 निकालना है, तो देखो इसमें दिमाग आप बिल्कुल क्लियर लगाना है, यस 13 मतलब 13वां पद दिया है, n की वैल्यू इसके साथ चिपकी हुई है ना, तो n की वैल्यू जब दी है तो n बाई 2 और 2a प्लस n माइनस 1d, ये सूत्र को हमको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, तो n का मान कितना है 13/2, 2 इंटू 7 प्लस n कितना आया 1, रुक जाओ, अरे सॉरी n 13 है, तो ये 13-1 और d का मान 7/3। फिर समझना, थोड़ा यहाँ कंफ्यूजन हो गया था मुझे। देखो जो यस 13 लिखा है तो ये कहता है कि 13वां पदों का योग कितना होगा, सम ऑफ 13 है ना, 13 टर्म, तो कुल मिला के इसमें 13 पद n की वैल्यू ये दिया हुआ है, तो n यहाँ भी 13 रखना है, यहाँ भी रखना है, तो 13/2 कटेगा नहीं, अब 2 × 7 = 14 प्लस ये 12 हुआ गुणे 7/3, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 13/2 बराबर 14 प्लस 4 × 7 = 28, यहां बराबर यहां रहेंगे सॉरी, तो 13/2, अब 24 × 8 = 32, 10 = 42 हो जाएगा, काट दो 21 आया, तो 13 × 21 तो इक्वल आया 13 × 13 = 3 हासिल है, 13 × 26 = 27, 273 आ गया आपका। तो यहां लिख सकते हो कि अतः है यस 13 = 273 और क्या आया डी इक्वल 7/3 है ना। कुल मिला के बात समझना लड़के, यहाँ तो ये तो चले आएंगे बढ़िया आराम से, यहाँ आपको फिर फोकस करना है कि n की वैल्यू इसके साथ जब ऐसा यस 13 यस 12 यस 20 कुछ भी दे तो n का मान उसके साथ में जुड़ा है ना, ऐसा बात समझो। ठीक है,
अब आगे देखो, इंग्लिश वाइज, सॉरी इंग्लिश वाइज लिख देना, सो एस एम एस 30 इक्वल ये 273 और इक्वल ये जितना आया। अब थर्ड क्वेश्चन जो है, ए 12 इक्वल 37, डी इक्वल 3, ए फाइंड करना है, यस 12 फाइंड करना है। मतलब कि अगर एक दो सवाल आप लगा लिए तो 100% बन जाएगा। तो ए 12 इक्वल कितना हुआ 37, तो ए 12 को क्या लिखेंगे, 11D लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो अब इसमें समीकरण एक बना लो, और D बराबर 3 दिया है। अब D बराबर 3, D का मान समीकरण एक में रखने पर, तो a इक्वल क्या हो जाएगा 37, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हुआ, तो a इक्वल क्या हुआ 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, अब a का मान आ गया। और यस 12 को मैंने अभी आपको बताया पहले भी सवाल में कि यस 12 मतलब क्या है, ये n का मान दिया इसमें, तो n by 2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब देखो तो ट्वेल्व बाई टू टू इंटू ए का मान 4, n का मान 12 माइनस 1 और d का मान 3। तो 4 × 2 = 8 प्लस 11 × 3 यस 12 इक्वल 6, 8 प्लस 33। ठीक है, मतलब इसमें 12 में 1 घटाए 11 आया, 11 × 3 = 33, तो यस 12 इक्वल आपका आया 6 × 41, तो यस 12 इक्वल आया 6 × 6 और 4 × 6 = 24 है ना, 246 ये आ गया। इसमें लिख सकते हो कि अतः है, सो इंग्लिश वाई लिख देंगे, सो ए इक्वल 4 ऐसा। ठीक है, तो एक सवाल और देख लेते हैं, बाकी फिर अगली वीडियो। अब आगे ठीक है, तो फोर्थ नंबर, क्या कहता है कि ए 3 इक्वल 15, यस एन इक्वल 1, यस 10। डी क्वेश्चन मार्क 8 क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ ए 3 बराबर अगर दिया है 15, फिर मेरी बात को गौर से सुनना है।
तो ए थर्ड को हम ए प्लस टू डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो ये आपका समीकरण क्या हो गया, एक। ठीक है, अब यस टेन का मान दिया है 125। अब इसमें हमको डी भी निकालना है, 1110 भी निकालना है। ठीक है, तो अब डी, अब अगर यस टेन का सूत्र लगा दें हम यहां, तो ये वाला यस एन इक्वल एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब एन कितना है, यस एन मतलब टर्म तो इसका 10 है, लेकिन मान कितना है इसका 125, तो यस एन का मान कितना कहलाएगा, 125। तो 125 टर्म अपना 10 है अपॉन टू टू ए प्लस टर्म कितना है अपना 10 1 और डी दिया है क्या, डी नहीं, डी नहीं दिया, डी फाइंड करना है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब दुई पंचे 10, इतना समझ में आया। अब आगे देखो, ये यहां गुणा में है तो किसमें जाएगा, ये भाग में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये गुणा में है, इसका पक्षांतर किसमें होगा, भाग में। तो बराबर हो गया 2a प्लस 9d, 10 में एक घटाओगे 9, तो 25 पंचे 125 आया, तो 25 बराबर 2a प्लस 9d, या ऐसा लिख सकते हो उसको 2a प्लस 9d इक्वल 25। अब समीकरण एक और दो से, इंग्लिश वाले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो सब तो a प्लस 2d इक्वल 15 और ये हो जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल 25। ठीक, चूंकि पद बराबर नहीं है, चूंकि पद बराबर इसमें एसएन 25, चूंकि पद बराबर नहीं है इसलिए पद हमको बराबर करना पड़ेगा, तो इसका 2 गुणा कर दो, इसका 1 गुणा कर दो, तो 2a प्लस 4d इक्वल 30 और 2a प्लस 9d इक्वल 25 हो जाएगा कि नहीं होगा? अब इनका चिन्ह बदल दो, साइन चेंज, प्लस नीचे वाले का उल्टा करना है बस, ये हो गया, ये कट गया, माइनस 5d हुआ, बराबर हो गया ये 5, तो d बराबर 5/5, ये माइनस यहाँ रहेगा, तो d इक्वल कितना हो गया, माइनस 1, डी इक्वल माइनस 1। अब हमको क्या निकालना है, a10 का मान, मिटा दो इसको, अब a10 का मान लिखो कि समीकरण एक में d का मान रखने पर, इंग्लिश में लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट में अगर डी की वैल्यू रखी जाए तो ए प्लस 2 × −1 इक्वल क्या होगा, 15, तो ए माइनस 2 इक्वल 15, तो a इक्वल हो जाएगा 15 प्लस 2, तो a इक्वल कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब a10 की वैल्यू बड़े आराम से निकल सकती है, तो a10 बराबर हम a प्लस 9d लिख सकते हैं, सूत्र लगाने की लंबी जरूरत नहीं है। तो a का मान 17 है, तो 9 × −1, तो 17 − 9, तो बराबर 9 × 8 = 17, अतः हम यहाँ लिख सकते हैं, आता है
डी इक्वल माइनस वन और ए टेन इक्वल एट, मतलब इसमें सामूहिक नियम लगते हैं, है ना, सभी नियम। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।